ये मेरे दादा के जमाने की साइकिल है। पता नहीं कब इस खटारा से छुटकारा मिलेगा और मैं नई मोटरसाइकिल लूंगा। क्या कुमार, दांत घिस रहे हो क्या? हैं? गाय चरा रहा हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था। छी, निकल यहाँ से। लगता है आज ये बहुत गुस्से में बैठा हुआ है। सुन तो, ये अंदर से कैसी आवाज आ रही है? हाँ, मैंने सुन लिया। मेरी बात तो सुनो, जरा इसे लेकर जाओ ना बेटा। माँ, मुझे नहीं चाहिए। हे, रुको। माँ जी, क्या इसमें खजूर रखे हैं या काजू हैं? अरे खजूर है बेटा, मैंने इसे दूध में अच्छी तरह से भिगोया है। इसे खाने से अच्छी तरह से खेल पाओगे तुम लोग। ओ, खजूर है दूध में भिगाए हुए। भुक्खड़ कहीं का। और मेरी एक माँ है जिसने मुझे पैदा किया है। वो मुझे नींबू पानी के अलावा और कुछ नहीं पिलाती। माँ, ये आप मुझे दीजिए, मैं इसे पिलाऊंगा। ए, चले यार, लेट हो रहा है। रुक ना, मैं ये लेकर आता हूँ। अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मतलब? हाँ, मैं तेरा बेटा हूँ या वही तेरा बेटा है? सब उसी को अच्छा खिलाती है। पागल, कुछ भी बोलता है। ए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। यार, तेरे पिताजी चाहते हैं कि तू हमारे स्टेट का बहुत बड़ा प्लेयर बने, इसलिए तुझे ये बाइक दिलाई है। और तू 6 महीने से एक लड़की के पीछे भाग रहा है। अबे हंस मत, अगर तेरे पिताजी को पता चला ना तो जिंदगी हंसी बन जाएगी। ये कालिया मुझसे बहुत जलता है। ये बताओ, तुमने उस लड़की में ऐसा क्या देख लिया? ए, क्या कर रहा है? कहाँ देख कर गाड़ी चला रहा है? सीधा देखना। मैं अपनी लवर को याद कर रहा हूँ यार। ओ, ये बात है, चला चला। उसे देखते ही सर से पैर तक 440 वोल्ट का करंट मारता है यार। ओ, अच्छा अच्छा। उसे देखते ही मुझ में एनर्जी आ जाती है। उसकी आंखों में ना एक अजीब सा नशा है यार। ठीक है, तेरी समझ में नहीं आएगा। हाँ ठीक है, तुम गाड़ी ढंग से चलाओ। समझ में नहीं आता कि गोरी लड़की को देखते तुम लोगों को प्यार कैसे हो जाता है, और हमारे इलाके की काली लड़की को देखते हो तब तुम्हें प्यार नहीं होता। हम भी कई लड़कियों को देखते हैं, लेकिन हमें तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? तुझे होगी भी नहीं, उसके लिए एक सोलमेट चाहिए। क्या बोला? सालन की जरूरत है? अच्छा है? दूंगा एक। इंग्लिश आती नहीं और बकवास करता है, चल उतर। ए, कल जब तू इंग्लिश की डीवीडी लेकर जा रहा था तभी मैं समझ गया था कि आज तुम इंग्लिश में कुछ डायलॉग मारोगे। ठीक है ठीक है, मुझे भी थोड़ी इंग्लिश सिखाओ ना। वेल, सोलमेट का मतलब है? अभी देखना मेरी जान आएगी। तुम्हारी जान? तू 6 महीने से इस लड़की के पीछे घूम रहा है, ये लड़की तेरा नाम जानती है क्या? अरे ये देखो, इसे प्रेम का रोग लग गया है, इसे लड़की के अलावा कुछ नहीं दिखता। चलना, हमें प्रैक्टिस के लिए जाना है, चलना। ए, चलना यार, चल। ये ठीक से मुझे देखने भी नहीं देता। आज भी वही कोच आया, हमें किसी विदेशी कोच को बुलाना चाहिए तब मजा आएगा। लेकिन मेरी कौन सुनता है? ये जूते भी अजीब है, हमेशा फीते खुल जाते हैं, क्या करूं इसका? चल 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 चल, चल। नमस्ते कोच। नमस्ते कोच। एक तो लेट आता है, ऊपर से नमस्ते बोलता है। अच्छा हुआ वो दूसरा कोच नहीं आया, वो आता तो हमारी वाट लगा देता, इसे भी अभी फंसना था। अरे चुप करना, चल। आज भी खड़े खड़े जॉगिंग करवा रहा है। ये जिस तरह से हमें नचा रहा है उससे तो खाए हुए दूध खजूर सब बाहर आ जाएंगे। बिठा भी उसी पोजीशन में रहे। Thank you.
जो मैच हम पहले हार चुके हैं उसके बारे में मत सोचो, ये हमारा इलाका है और ट्रॉफी भी हमें ही मिलेगी। इस टूर्नामेंट का प्राइस 1,00,000 है। स्टेट टीम सेलेक्टर फाइनल मैच के लिए आ रहे हैं। रघु, पिछले टूर्नामेंट से इस बार तुम्हारा स्कोर ज्यादा होना चाहिए। किसी का भी पैर तोड़ना पड़े तो मत चूकना, ताकि अपोजिशन टीम का स्ट्राइकर अपनी गोल पोस्ट में बॉल लेकर आने के लिए डरे। हमारे ही इलाके में हमें कौन हराने आता है वो हमें देखना है। कोच, मैच स्टार्ट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ मैं जगदीश बात कर रहा हूँ। हाँ, पता नहीं क्यों लेकिन गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई है, अपने प्रैक्टिस ग्राउंड के पास आओ ना। ठीक है, आता हूँ। क्यों भाई, गाड़ी प्रॉब्लम दे रही क्या? वो भी तुम्हारे ही जैसी। गौर क्यों रहे मुझे? सुन, आने वाले 12 दिनों में टूर्नामेंट की शुरुआत होने वाली है। पुराने कोच को म्यूजियम में वॉचमैन की नौकरी दे सकता हूँ, जाओ जाकर नौकरी कर लो। अगर तुमने गलती से भी ग्राउंड में आने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे सगे भाई हो, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। चल गाड़ी स्टार्ट कर। हाँ भाई। क्या देख रहे हो बेटा? इस छोटे से घर में बस हम दोनों ही रहते हैं ऐसा सोच रहे हो ना? पापा ने ताऊ जी की बात नहीं सुनी, तुम्हारी मां से शादी कर ली, इसलिए ताऊ जी ने पापा को घर से निकाल दिया। लगा था तुम्हारे पैदा होते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा सगा भाई है, तेरे हाथ पर तोड़ दूंगा। तेरे मझले ताऊ जी बचपन में बहुत गलतियां करते थे, उन्हें सुधारने के लिए मैं बड़े ताऊ जी से सब कुछ बता देता था। मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बनाई हुई फुटबॉल टीम को उन्होंने जबरदस्ती मुझसे छीन लिया। मुझे बहुत प्यार करने वाले मेरे बड़े भाई ने भी मुझे ठुकराया। ये बताओ, जगदीश घर आता है क्या? उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? ये सब भी छोड़ो, जिसके लिए मैंने सबसे रिश्ता तोड़ा वो अब जिंदा नहीं है। और इस वक्त तुम और मैं अनाथ हो गए हैं। हे, तुम अपने बच्चे से क्या बात कर रहे हो? जरा एक मिनट इधर आओ। जगदीश, क्यों ना हम एक टीम तैयार करके टूर्नामेंट में उतरे? मजाक कर रहे हो? वैसे भी मझले भैया मुझसे बहुत नाराज हैं, उन्हें लगता है मैं उनकी टीम उनसे छीनूंगा, और ऊपर से ये नई टीम की बात। नहीं यार, तुम उनके टीम को कोच करोगे तो वो नाराज होंगे, तुम मेरी टीम को कोच करो ना। मैं बड़े भाई से बात करूंगा कि वो मेरी टीम को टूर्नामेंट में भाग लेने दें। ए, अभी तो सिर्फ 10 दिन बचे हैं और हमारे पास बस 2 अच्छे प्लेयर्स हैं। एक अच्छी टीम इतने कम दिनों में रेडी करना मुश्किल है यार, और तुम तो जानते हो टूर्नामेंट कितना टफ होता है। मैं जानता हूं, लेकिन तुम कर सकते हो। तुम टीम रेडी करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। गाँव आने के बाद आपने हमें फोन भी नहीं किया कोच। बात वो नहीं है रखो। आप कुछ मत कहिए कोच, हम सब आपके साथ हैं, आप फिर से टीम ज्वाइन कीजिए। ए, जोश में आकर कुछ भी कहने करने की जरूरत नहीं है। भूपति भैया का गुस्सा जानते हो ना, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो तुम सब लोगों का करियर स्पॉइल हो जाएगा। आइंदा मुझसे मिलने मत आना, तुम लोग जाओ। लेकिन कोच, मैंने कहा ना तुम लोग जाओ, जाओ।
मुझे 500 रुपए दोगी या नहीं? कंप्यूटर क्लास के लिए 500 रुपए? कंप्यूटर क्या है तुम्हें पता ही क्या है? जब भी पैसे मांगता हूँ मना कर देती हो। घूरोगी तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगा मैं। क्या तुम चिंटू की दीदी आरती को जानती हो? वो भी क्लास में आती है, वहाँ कितनी फीस है पूछ लेना उसे। ठीक है, उसे फोन करने के बाद तुझे पैसे दूंगी। माँ मुझे 500 रुपए चाहिए। तेरे पिताजी का शर्ट है ना, उसमें पैसे है, जाकर ले ले बेटा। ए जरा इधर तो देखो माँ, वो मांगता है तो बराबर देती हूँ। अच्छा है, एक दिन ये दुनिया हमारी भी इज्जत करेगी, मेरा भी वक्त आएगा, तब तुझे दिखाऊंगा मैं। कंप्यूटर क्लास, मैथ्स क्लास कैसे करूं? हे रघु, तुमने पेन लिया क्या? ए तूने मुझसे पहले भी पूछा है ना, मैंने ले लिया, अब चल। अब आगे आगे खेल का असली मजा आने वाला है। हे रघु, पेपर किस लिए चाहिए पूछेगी तो क्या कहोगे? ए वो कंप्यूटर क्लास आती है यार, चुपचाप चल। अगर जनरल नॉलेज की टिप्स देगा तो नोट कर सकते हो ना। क्या क्या बोला तू? जनरल नॉलेज? तू आइंस्टाइन का पोता है, शक्ल देखी अपनी। ए जनरल नॉलेज की स्पेलिंग बता, चल। स्पेलिंग? क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, चलो चलो। ये कौन है? ये पीली टी शर्ट पहना हुआ टकला हमारे पीछे क्यों आ रहा है? पकड़ा गया। ए टकले, ये बताओ कि तुम एक घंटे से हम लोगों के पीछे क्यों आ रहे हो? नो बॉस। क्या एक? तुम मुझसे उम्र में दुगने हो और तुम मुझे बॉस बोलते हो, नाम क्या तुम्हारा? माय नेम इज सीना ताना। सीना तान, इस कॉमेडी पीस को मैंने कहीं देखा। ए तुम तो गांव गांव दूध बेचने वाले पांडू हो ना, फिर तुमने सीना तान क्यों बोला? मेरे घर के पास जो लड़कियां रहती हैं ना, वो कहती हैं कि मैं सीना तान का हीरो की तरह चलता हूँ, और इसीलिए मैंने अपना नाम सीना ताना रख लिया है। कौन? तुम्हारे घर के पास की लड़कियां? उन लड़कियों की उम्र तो 80-85 की होगी। ठीक है, इधर देख जरा, हंस। वो सब छोड़ो मिस्टर सीनातान, ये बताओ हमें फॉलो क्यों कर रहे थे? मैं तुम लोगों को क्यों फॉलो करूंगा, मैं तो कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तेरे सर के बाल उड़ गए हैं, तेरी तोन निकल आई है और तू बोलता है कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करेगा, इसकी तो मार दे। और मार, कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करेगा, भाग यहाँ से। अरे छोड़ यारी से, मुहूर्त निकल जाएगा, चलकर पैसे भरते और क्लास ज्वाइन करते हैं। अरे भाई ये तो बिल्कुल मुर्दे की तरह बैठा हुआ है। सर अब हम बैठ गए, अपने हाथ नीचे कर लीजिए सर। सर और बताइए ना, चाय लेंगे या कॉफी? नहीं नहीं नहीं, हमें चाय कॉफी नहीं चाहिए, मुझे स्वीट लेमन सोडा, इसको सॉल्ट लेमन सोडा, आइस कम विदाउट शुगर, और मेरे लिए शुगर ज्यादा भी चलेगा सर। ये लोग तो जूस मांग रहे हैं। जूस ना फीस भरने के बाद पिएंगे हम लोग। कौन सा कोर्स करना चाहते हैं आप? आप मेन्यू कार्ड दे दीजिए सर, हम खुद चूज कर लेंगे। मेन्यू कार्ड मांग रहे हैं तो वो यहाँ कैसे मिलेगा सर? अरे सर आप भी अजीब हैं, हम मेन्यू कार्ड देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं। आपको धंधा करना नहीं आता सर? यहाँ तो बहुत सारी आइटम है। ये आइटम किसे कह रहा है, कहीं ये लोग कंप्यूटर कोर्स को आइटम तो नहीं कह रहे? सर हम ना सी और सी प्लस प्लस कोर्स की बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं सर, आपको कौन सा कोर्स करना है? मैं सी ज्वाइन करूंगा। मैं सी प्लस प्लस है। सुन तुझे सी लैंग्वेज अच्छी से नहीं आती, तू सी प्लस पे ज्वाइन करके क्या करेगा? अरे तुम्हें भी एक एक बात समझानी पड़ती है यार। देख मैं तुझे एक बात बोलता हूँ, अगर शादी के बाद तेरे नाम के आगे सी लगेगा तो नाम कुछ हल्का लगता है, सी प्लस प्लस के साथ भारी हो जाता है, इसीलिए तुझे भी इस कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए यार। जैसे आपकी मर्जी सर, ज्वाइन करने से पहले ना एक छोटा सा टेस्ट होगा, उसके बाद ना फीस भरते ही आपका कोर्स चालू हो जाएगा सर। टेस्ट भी है? अरे कुछ नहीं है सर, सर आप ना पहले जाकर विंडोज ओपन कर लीजिए। बस इतना ही।
बाप रे। हाँ? विंडोज ओपन कर लीजिए। विंडो ओपन करना भी टेस्ट है क्या? क्या? ये गोल पक्का है कुमार, किक मार। कौन है? तुम लोगों को एक बार समझाया, समझ में नहीं आता क्या? ये लोग फिर से आ गए। चलो निकलो यहाँ से, हमारी टीम आने वाली है, चलो जाओ। भैया थोड़ी देर खेलने दो ना हमें, वो आएंगे तो हम चले जाएंगे। तू क्या बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेलने वाला है? बड़ा आया, चलो निकलो यहाँ से। ए तू घूर के रह बे, हाँ क्या करेगा भैया? ए ये लोग को ऐसे ही छोड़ना सही नहीं है यार। घूर किसे रहा बे? तुझे मारता है, छोड़ दे, तुझे छोड़ दो। ले ले छोड़ो उसे, छोड़ो। मैं बोला छोड़ो उसे, उठो उठो। ए मैंने बोला छोड़ो उसे, छोड़ो छोड़ो। क्या ये, क्या ये, क्या समझते हो तुम लोग अपने आप को, क्या समझते हो? हाँ ये खेल का मैदान है। ए कुमार क्या प्रॉब्लम है तुझे? तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या प्रॉब्लम है? आखिर मारपीट क्यों कर रहे हो? कोच ये लोग ग्राउंड में नहीं आने चाहिए, निकालो इन सबको बाहर। तुम चुप रहो कुमार। ए क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्यों मारपीट कर रहे थे? कोच आप जाइए, हम इन लोगों को देख लेंगे। बहुत गर्मी है तेरे अंदर, घूर क्या रहे बे? मैंने कहा ना जाओ। हम क्यों जाए, हाँ हम भी तो पैसे देकर खेलते हैं ना, अभी भी टाइम बाकी है, 5 बजे तक खेल सकते हैं हम यहाँ से खेले बिना नहीं जाएंगे। बहुत गर्मी है तेरे अंदर, अचानक वार किया तो मैं समझ नहीं पाया, अब तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा मुंह तोड़ेगा, हाथ लगा के दिखा। तुम लोगों के बोलने से हम फुटबॉल खेलना छोड़ दे क्या? हम लोग भी यहाँ फुटबॉल खेलने आते हैं, हिम्मत है तो हमारे साथ मैच खेलो, अगर तुम लोग जीत गए तो हम लोग इस ग्राउंड में कभी नहीं आएंगे। ए हम लोग 2 बार चैंपियन रह चुके हैं, फिर डर क्यों रहा है, आ खेल हमसे ना। ठीक है, परसों हम दोनों की टीम के बीच मैच होगा, इस ग्राउंड का यही क्लाइमेक्स होगा। ये क्लाइमेक्स नहीं है, सिर्फ इंटरवल है।